तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो चलिए गाजर का हलवा बनाने के लिए हम इसका तैयारी करते हैं। ओके, तो गाजर हमारा बिल्कुल रेडी है, ग्रेट किया हुआ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हुआ गाजर का हलवा। हाँ, तो अब इसमें हम लेंगे डालडा। डालडा हम ले रहे हैं आधा किलो, यानी हाफ के जी डालडा वनस्पति। अभी हम डाल रहे हैं गाजर। ओके, क्वांटिटी में बता दूंगा कि कितना कितना क्वांटिटी में बना रहा हूँ। जैसे मैंने बताया डालडा मैंने हाफ के जी लिया था और ये गाजर है 7 केजी। ओके, ये ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का जो कैरेट होता है ये वो है, ये रेड वाला नहीं है, ये ऑरेंज में। ओके, सो रेड वाला अवेलेबल नहीं था इसलिए हम ऑरेंज से ही बना रहे हैं। सो कोई नहीं, से भी बहुत अच्छा बनता है। ओके, अब इसको हम डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ओके, तो इस तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ओके, जो इसमें मॉइस्चर होता है, गाजर का पानी होता है, ओके, वो अच्छी तरह सूख जाए। इसमें हमने डालडा भी यूज़ किया है। सो अगर इस तरह हम सारा ड्राई करने के बाद आगे प्रोसेस करते हैं, मिल्क यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर गाजर पूरा कच्चा कच्चा ही रहेगा, दूध भी डाल देंगे तो एक अलग टाइप का होगा। अगर हम पहले गाजर को इस तरह भून लेते हैं और इसका जितना भी पानी होता है वो सूख जाएगा, वो भी सूखेगा, उस पर ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं, सारा गाजर ही ऑब्जर्व कर लेगा। ओके, जैसे कहते हैं ना, मतलब अगर आप फ्राइड कैसुनट खाते हो और रॉ कैसुनट यानी कच्चा काजू खाओ, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है ना टेस्ट में। उसी तरह अगर हम इसे ड्राई कर लेते हैं तो टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स अब 15 मिनट हो चुका है, और ये देखिए कितना पानी जो था इसमें, ओके, सारा सूख चुका है। ओके, तो क्वांटिटी देखिए कितनी कम हो चुकी है। ओके, तो अब इसमें हम डालेंगे दूध। ओके, तो दूध हम ले रहे हैं 10 लीटर दूध रहेगा। ओके, हाँ, डालडा में डालकर इसे पका रहे थे, 15 मिनट तक हमने पकाया है इसे, उसके बाद हम इसमें दूध डाल रहे हैं। ओके, तो दूध मैंने लिया है 10 लीटर दूध है 7 किलो गाजर में, सो याद रखें। तो अब हम इसमें लेंगे शुगर। सो शुगर मैंने लिया है 2 केजी। ओके, ओके, तो अब हम इसमें लेंगे खोआ। खोआ मैंने 1/2 केजी यूज़ किया है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने मिल्क ज़्यादा यूज़ किया, इसके लिए हम खोआ कम डालेंगे, अगर ना भी डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब हमें इसे कंटिन्यू ही चलाते रहने का है और बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, वरना नीचे जल जाएगा। ओके, तो इसे कंटिन्यू स्लो फ्लेम या मीडियम में भी आप रख के इसे कंटिन्यू इस तरह घुमाते रहें, यानी चलाते रहें, ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि दूध है, खोआ पड़ा हुआ है और इसकी वजह से नीचे जल जाने का चांसेस रहता है। बिल्कुल भी इस तरह इसे
छोड़ के ना जाए। सो ये अभी हम ले रहे हैं ग्रीन इलायची का पाउडर। ओके सो ग्रीन इलायची का पाउडर लिया है, अब इसको भी डालकर हम मिक्स करेंगे। ओके अभी काफ़ी देर हो चुका है, अब हम इसमें यूज़ करने वाले हैं प्योर घी। तो अब बारी आती है प्योर घी। सो प्योर घी मैंने लिया है हाफ लीटर। ओके सो हाफ लीटर प्योर घी हम डालेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल लास्ट में ही डालना है। ओके डालकर फिर इसको फिर से इसको पकाते रहने का है। ओके अब हम इसमें डाल रहे हैं किशमिश। ओके किशमिश है 200 ग्राम है किशमिश। उसके बाद ये काजू भी सेम क्वांटिटी है 200 ग्राम में, लेकिन काजू को मैंने फ्राई कर लिया है, घी में टॉस कर लिया था। ओके जो ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमारा गाजर का हलवा रेडी है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।